हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो टुडे आई वांट टू कंटिन्यू फ्लेक्सिबल बजटिंग। सो आई वांट टू प्रिपेयर द फ्लेक्सिबल बजट फॉर न्यू सम। अब एक नए सम के लिए हम फ्लेक्सिबल बजट बनाना सीखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन की सम की थोड़ी चेंजेस हैं जो लास्ट सम से थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ। अगर हम लास्ट सम देखें जो हमने फर्स्ट वीडियो में फ्लेक्सिबल बजट में बनाया था, वहां पे हमें कॉस्ट पर यूनिट गिवन थी। वी वर गिवन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वी वर गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पर यूनिट, वी वर गिवन सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन इस सब में थोड़ी चेंजेस हैं, थोड़ा हम क्लियर करना चाहते हैं, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हमें कैपेसिटी भी गिवन है 60% और हमें 100%, टू टाइम कैपेसिटी इज गिवन। देन बजटेड प्रोडक्शन इज गिवन 600 यूनिट्स फॉर 60% एंड 1000 यूनिट फॉर 100% एंड वी आर गिवन टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट गिवन है, अब हमें इसका फ्लेक्सिबल बजट बनाना होगा रिकॉर्डिंग 70%, 80% और 90% बजट। अब उसके अनुसार हमें 70% का टोटल कैलकुलेट करना होगा 80 एंड 90। तो अब सबसे पहले हमें गिवन है टोटल कॉस्ट, लेकिन लास्ट सम जो हमने किया था, फर्स्ट सम किया था फ्लेक्सिबल बजट का, वहां पे हमें गिवन था यूनिट कॉस्ट पर यूनिट। हमें यूनिट कॉस्ट पर यूनिट गिवन थी, दैट वाज रिलेटिंग टू वेरिएबल कॉस्ट, दैट वाज रिलेटिंग टू फिक्स्ड कॉस्ट एंड दैट वाज रिलेटिंग टू सेमी वेरिएबल। बट यहाँ पे हमें ये पता नहीं है भी कौन सी हमारी वेरिएबल है, कौन सी हमारी फिक्स है और कौन सी हमारी सेमी वेरिएबल है। अब हमें ये कहा जा रहा है नंबर वन पॉइंट, हमें कॉस्ट गिवन है। अब नंबर वन कहा जा रहा है इंडिकेट विच ऑफ दी आइटम्स आर फिक्स। सबसे पहले हमें यहाँ पे पहचान करनी होगी कौन सी हमारी फिक्स्ड है, कौन सी हमारी वेरिएबल है और कौन सी हमारी सेमी वेरिएबल है। दैट विल बी अवर फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द सम। सेकंड में हमें बनाना होगा बजट फॉर 70%, 80% एंड 90% का हम टोटल कॉस्ट का बजट बनाएंगे। थर्ड हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी अंडर 70%, अंडर 80 एंड 90% बजट। अब सबसे पहले जब हमें इंडिकेट करना हो, हमें पहचान करनी होगी कौन सी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है और कौन सी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। तो मैं ये इंपॉर्टेंट बात अपने स्टूडेंट्स को क्लियर करना चाहता हूँ, व्हेन एवर वी हैव टू रिकॉग्नाइज द कॉस्ट विच इज फिक्स्ड, विच इज वेरिएबल एंड विच इज सेमी वेरिएबल, तो हमें तीन टेस्ट लेने पड़ेंगे। देयर आर थ्री टेस्ट। अब मैंने तीन इंपॉर्टेंट टेस्ट बनाए हैं। अगर मुझे देखना हो कि व्हाट इज अवर फिक्स्ड कॉस्ट, तो जब हमें फिक्स्ड कॉस्ट की पहचान करनी हो, देन वी हैव टू सी द टोटल कॉस्ट कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो हमें फिक्स दी है, जो हमें कांस्टेंट दी है, जो हमें सेम दी है अंडर टू कैपेसिटी में। अब हमें 60% कैपेसिटी का भी चार्ट गिवन है और 100% कैपेसिटी का भी चार्ट गिवन है। तो टेस्ट नंबर वन यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट में हम ये कह सकते हैं व्हेन टोटल कॉस्ट अंडर टू डिफरेंट कैपेसिटीज आर सेम और कांस्टेंट। जब दो अलग अलग कैपेसिटी में हमारी टोटल कॉस्ट जो गिवन होगी इंफॉर्मेशन में, वो अगर कांस्टेंट होती है या सेम होती है, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। अब मैंने यहाँ पे देखा हमारे पास है डेप्रिसिएशन, इसका अमाउंट गिवन है 8000 और इसका अलग कैपेसिटी में भी 8000 है, दीज आर सेम कॉस्ट। अब सिमिलरली इंश्योरेंस, अब यहाँ पे 2000 एंड 2000, दीज आर फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमने आइडेंटिफाई किया व्हेन टोटल कॉस्ट आर डिफरेंट सेम अंडर डिफरेंट कैपेसिटी, जब हमारी टोटल कॉस्ट सेम होती है, कांस्टेंट होती है अंडर डिफरेंट कैपेसिटी में, तब हम उसको कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट।
तो ये हमारा जो सिम्टम होगा, ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का सिम्टम होगा, दैट इज टू आइटम्स आर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अब हमारे पास टोटल 6 आइटम है गिवन इन द सम, हमारे पास जो टू एक्सपेंडिचर हैं दीज आर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि उनकी कॉस्ट कॉन्स्टेंट है अंडर डिफरेंट कैपेसिटी। तो टेस्ट फॉर फिक्स्ड कॉस्ट हम कहते हैं व्हेन टोटल कॉस्ट आर कॉन्स्टेंट और फिक्स्ड। तो नंबर वन हमने फिक्स को पहचान लिया। अब हमारे पास एक नया टेस्ट हमें बनाना है जिसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट की पहचान करनी हो, हमें अपने यानी कॉस्ट पर यूनिट हमें कैलकुलेट करना होगा, कॉस्ट पर यूनिट, एंड दीज कॉस्ट पर यूनिट अंडर डिफरेंट कैपेसिटीज आर सेम। अगर हमारे कॉस्ट पर यूनिट और पर यूनिट कॉस्ट आर सेम अंडर डिफरेंट कैपेसिटी, उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जहां पे हमारे पर यूनिट कॉस्ट सेम होती है अंडर डिफरेंट कैपेसिटी में, जहां पे हमें टोटल कॉस्ट सेम होती है उसको हम फिक्स कहते हैं, जहां पे वेरिएबल उसको कहा जाता है यहाँ पे पर यूनिट हमारी कॉस्ट कॉन्स्टेंट होगी। अब हम थोड़ा इसमें देखना चाहते हैं, अगर हम देखें वेजेस, अब वेजेस का पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर किया है, अगर मुझे आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सी हमारी वेरिएबल होगी, तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट दैट मस्ट बी सेम, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। हमारी वेरिएबल कॉस्ट की पहचान यही है कि जहां पर यूनिट हमारी सेम आती है। हमने कैसे कैलकुलेट किया, 2400 डिवाइडेड बाय 600 यूनिट, तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट हमारी बनती है ₹4। और सिमिलरली सेकंड कैपेसिटी में हम गए, टोटल कॉस्ट है यहाँ पे 4000 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये भी हमारे पास ₹4 ही आएगा। व्हेन डिफरेंट कैपेसिटी में कॉस्ट पर यूनिट हमारे कॉन्स्टेंट होते हैं, देन दैट बिकम्स वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब जो हमारी लेबर है या वेजेस हैं, इनको हम वेरिएबल कॉस्ट में लेंगे। सो दीज आर सिग्नल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि इनको अगर यूनिट से डिवाइड किया जाए, उनका आंसर पर यूनिट कॉन्स्टेंट ही आ रहा है, जो हमारा आंसर होगा 4 and 4। अब सिमिलरली मुझे अब कंज्यूमेबल स्टोर को भी चेक करना होगा, वेदर दैट इज ए वेरिएबल और सेमी वेरिएबल और फिक्स। अब ये फिक्स तो है नहीं, क्योंकि इनके अलग अलग प्राइसेस हमें गिवन है। हमने कहा था फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जब हमारी टोटल कॉस्ट कॉन्स्टेंट होती है, टोटल कॉस्ट हमारी सेम होती है, ये दोनों कॉस्ट अलग हैं। अब इसको हम चेक करना चाहते हैं वेदर दीज आर वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, मैंने टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 600 जैसे हमने यहाँ पे किया, 1800 डिवाइडेड बाय 600, तो इसका आंसर हमें मिलेगा ₹3 पर यूनिट। सिमिलरली हमने किया 3000 डिवाइडेड बाय 1000, इसका आंसर भी हमें मिलेगा ₹3 पर यूनिट। जहां पे हमारी पर यूनिट कॉस्ट सेम रहती है, दैट बिकम्स वेरिएबल कॉस्ट। अब देखा जाए वेजेस भी हमारा सेम आंसर दे रही है ₹4 पर यूनिट, और ये हमें आंसर दे रही है दोनों कॉन्स्टेंट है, यहाँ भी ₹3 पर यूनिट और यहाँ भी ₹3 पर यूनिट हमें आंसर मिल रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं वेजेस हमारी वेरिएबल है, यहाँ से ये पहचान होती है, और कंज्यूमेबल स्टोर भी हमारा वेरिएबल है, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट आर कॉन्स्टेंट इन डिफरेंट कैपेसिटी। अब हमें देखना है मेंटेनेंस एंड पावर एंड फ्यूल। अब हम इसके बारे में टेस्ट लगाना चाहते हैं, जहां पे पर यूनिट कॉस्ट डिफरेंट होती है, दैट कॉस्ट इज नोन एज सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल की डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं, जहां पे हमारी पर यूनिट कॉस्ट अंडर डिफरेंट कैपेसिटीज आर डिफरेंट। जब हमारी पर यूनिट कॉस्ट बिल्कुल अलग अलग रहती है अंडर डिफरेंट कैपेसिटी में, उसको हम कहते हैं सेमी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल मीन्स देयर इज इंक्लूजन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट। देयर इज ए मिक्सचर ऑफ टू कॉस्ट, जहां पे टू कॉस्ट का मिक्सचर होगा, जहां पे वेरिएबल कॉस्ट भी होगी और फिक्स भी होगी, दैट इज नोन एज सेमी वेरिएबल। अब हम चेक करना चाहते हैं मेंटेनेंस के बारे में। अब मैंने यहाँ पे टेस्ट लगाया मेंटेनेंस, जिसकी कॉस्ट गिवन है 2200 डिवाइडेड बाय 600 यूनिट। अगर हम 2200 को
600 से डिवाइड करें तो हमारी यहाँ पे कॉस्ट आती है ₹3.66 पर यूनिट। तो इसका मतलब हमारी 60% कैपेसिटी पे हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है, 3.66। अगर हमने 3000 जो हमारा इंक्रीज हुआ, 3000 को हम 1000 से डिवाइड करें, यहाँ पे हो जाती है 3। इट मींस दीज आर नॉट कांस्टेंट। जैसे ये कांस्टेंट रही है, अब ये कांस्टेंट नहीं है। व्हेन एवर दीज आर नॉट कांस्टेंट, ये हमारी होती है सेमी वेरिएबल। अब हम फिर देख रहे हैं पावर एंड फ्यूल, इसको भी चेक करना चाहते हैं। अब पावर एंड फ्यूल की टोटल कॉस्ट गिवन है 3200। हमने 3200 को 600 से डिवाइड किया, इसकी पर यूनिट कॉस्ट आती है ₹5.33। और हम करते हैं 4000 को हमने 1000 से डिवाइड किया, यहाँ पे आती है ₹4। दीज आर नॉट सेम, दीज आर नॉट आइडेंटिकल, ये भी सेम नहीं आ रही है, कॉन्स्टेंट नहीं आ रही है। इट मीन्स हमारी पावर एंड फ्यूल भी हमारी सेमी वेरिएबल है। इट मीन्स वी हैव टू सेमी वेरिएबल आइटम्स, वी हैव टू सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर। तो नंबर वन मेंटेनेंस भी हमारा सेमी वेरिएबल में आएगा, क्योंकि इनकी कॉस्ट अलग है पर यूनिट, और पावर एंड फ्यूल भी हमारा डिफरेंट कॉस्ट पर यूनिट प्रोवाइड कर रहा है। अब हमें बनाना होगा बजट, लेकिन बजट बनाने से पहले हमें वन थिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, वो हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। दैट इज अकॉर्डिंग टू अवर बजट वी हैव टू प्रिपेयर द बजट। उसके लिए हमें करना पड़ेगा सेग्रीगेशन। अब सबसे पहले सेमी वेरिएबल को हम सेग्रीगेट करेंगे। सेग्रीगेशन मीन सेपरेशन, इनकी वेरिएबल पार्ट को अलग करेंगे और फिक्स्ड पार्ट को अलग किया जाएगा। देन वी हैव टू गो विद द बजट। पहला काम है आई हैव टू गो विद द सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल। अब हमारे पास टू एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो हमने यहाँ पे अपना इंडिकेशन में ले लिया, जो हमने पहचान कर ली है कि टू आइटम्स टू एक्सपेंडिचर हमें सेमी वेरिएबल के गिवन है। अब इसमें हमें थोड़ा ये सीखना होगा हाउ टू सेग्रीगेट दीज टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड हाउ टू सेग्रीगेट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अब इसमें वेरिएबल को कैसे अलग करेंगे और फिक्स को कैसे अलग किया जाएगा, वेरी सिंपल फार्मूला। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि ये हमारी सेमी वेरिएबल है। इसमें बड़ा हम स्मॉल फार्मूला लेते हैं, तो अगर मुझे वीसी कॉस्ट को अलग निकालना है या वीसी पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, तो इसका बड़ा सिंपल फार्मूला है, दैट इज इंक्रीज इन अमाउंट डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन यूनिट। क्योंकि हमें टू टाइम का डाटा गिवन होता है, टू डिफरेंट कैपेसिटी का हमें डाटा गिवन है, हम उसमें जो भी डिफरेंस अमाउंट का आ रहा है वो हम चेक कर सकते हैं, जो डिफरेंस हमारे यूनिट का है वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास वीसी पर यूनिट का बड़ा सिंपल फार्मूला बनेगा, वीसी मींस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला होगा, ये होगा इंक्रीज इन अमाउंट। अब मेंटेनेंस हमारी सेमी वेरिएबल, अब इसमें अमाउंट की कितनी इंक्रीज हो रही है, पहले अमाउंट था ₹2200, अब बन गई है ₹3000, तो इंक्रीज इन अमाउंट शेल बी ₹800। तो हमने लिया ₹800, हमने मेंटेनेंस का ले लिया ₹800, देन डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन यूनिट। अब 60% में हमारे यूनिट बनते थे 600 और 100% में हमारे पास है 1000, तो हमने उसको डिवाइड करना है डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन यूनिट। तो इंक्रीज इन यूनिट कितने हैं, 400। हमने फार्मूला लगाया इंक्रीज इन अमाउंट डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन यूनिट, तो ये बनेगा ₹800 डिवाइडेड बाय 400 यूनिट्स। इट मींस अवर वीसी पर यूनिट, जिसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का आंसर होगा, वो मिलेगा ₹2 पर यूनिट वीसी। ये हम आंसर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने 800 को 400 से डिवाइड किया, हमारे पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट जो हमारे मेंटेनेंस में इंक्लूड है वो होगी ₹2 पर यूनिट। अब मुझे यहाँ से प्रूव करना है कि इसमें कितनी हमारी फिक्स होगी और कितनी हमारी वेरिएबल होगी, और हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब मैंने टोटल लिया 600 यूनिट्स के अंडर, टोटल 600 यूनिट्स में मेरे पास मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन है इंफॉर्मेशन में 2200 टोटल हमने यहाँ पे लिया। अब मैंने इसमें लेस की
वीसी यानी वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 2 रुपीज पर यूनिट और यहाँ की यूनिट कितने गिवन है 600। हमने मल्टीप्लाई किया 2 रुपीज वीसी मल्टीप्लाइड बाय 600। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी, दैट विल बी 1200। तो टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, देन आंसर विल बी फिक्स्ड कॉस्ट। इसका मतलब ये हमारी सेमी वेरिएबल में अगर वेरिएबल के पार्ट को हम डिडक्ट कर देते हैं, रिमेनिंग आंसर शैल बी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका मतलब 2200 टोटल में अगर वेरिएबल कैसे बनी, सबसे हमने पहले पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट किया वीसी को, अब हमने यूनिट से मल्टीप्लाई किया, 2 रुपीज पर यूनिट वीसी है वेरिएबल है, उसको हमने 600 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी आ जाती है 1200। इट मींस रिमेनिंग शैल बी फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका मतलब है अगर हम सेग्रीगेशन करते हैं मेंटेनेंस का, उसमें 1200 हमारी वीसी इंक्लूड है जिसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट है, और हमारी 1000 जो है दैट इज ए फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडेड इन मेंटेनेंस। सिमिलरली अगर हम यहाँ भी सेम ट्राई करें, इसकी कैलकुलेशन करें, तो ये भी हमारा 1000 फिक्स कॉस्ट ही होगी। इसको हम ओरली डिस्कस कर सकते हैं, टोटल अमाउंट इज गिवन 3000। अब हमने देखा 2 रुपीज पर यूनिट हमारी वीसी है, तो 2 रुपीज को मैंने 1000 यूनिट से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है वो मल्टीप्लाई यूनिट से होती है, यानी दैट इज गोइंग विद प्रोपोर्शनली विद द यूनिट। तो हमने 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 किया, तो 2000 यहाँ से वीसी निकल गई और रिमेनिंग यहाँ भी हमारी जो एफसी होगी जिसको फिक्स्ड कॉस्ट कहेंगे वो 1000 ही रहेगी। इट मींस यहाँ के कंपोनेंट में 1000 हमारी फिक्स्ड है और रिमेनिंग 2 पर यूनिट के हिसाब से हमारी वीसी इंक्लूड है जो हमने कैलकुलेट कर ली सेमी वेरिएबल से। तो जब भी हमें बजट बनाना हो, सबसे पहला काम है सेग्रीगेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट, यानी उनको अलग अलग करना, सेपरेशन करना। अब मैं जा रहा हूँ सेकेंड आइटम जो हमारे पास है, पावर एंड फ्यूल। अब ये एक्सपेंडिचर भी हमारा सेमी वेरिएबल है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक कर लिया, क्योंकि उनकी कॉस्ट पर यूनिट डिफर कर रही है, अलग अलग है। हमने कहा था अगर कॉस्ट पर यूनिट अलग होती है, डिफरेंट होती है, दैट इज द सिम्टम ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वो हमारे सेमी वेरिएबल कॉस्ट की सिम्टम कह सकते हैं। अब सिमिलरली हमने किया 3200 एंड 4000। अब इसमें हमने फिर फार्मूला लगाना है वीसी पर यूनिट कैलकुलेशन का। हमने फार्मूला लगाया टोटल इंक्रीज इन अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल इंक्रीज इन यूनिट। अब सेम हमारा यहाँ पे 3200 और 4000 रुपीस में कितनी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे भी हमारी इंक्रीज इन अमाउंट है 800, सेम जैसे हमारी मेंटेनेंस में थी, यहाँ भी 800 रुपीस की इंक्रीज है डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन यूनिट। तो हम लेते हैं इंक्रीज इन अमाउंट डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन यूनिट, तो यहाँ पे यूनिट हमारे बन रहे हैं 400 की इंक्रीज है, तो सेम हमने किया 800 डिवाइडेड बाय 400 अगेन, तो यहाँ भी हमारी वीसी होगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी, वो बनेगा 2 रुपीज पर यूनिट। तो यहाँ पे हमने वही कैलकुलेट किया। अब इसमें हम देखना चाहते हैं कि हमारी वीसी कितनी इंक्लूड है और एफसी यानी फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी इंक्लूड है, तो इसके लिए हमने लिया टोटल पावर एंड फ्यूल कॉस्ट, दैट इज गिवन 3200। अब हमारा आंसर आया ₹2 पर यूनिट वीसी, जिसको कहते हैं वेरिएबल। अब 3200 हमने टोटल लिया, लेस किया 2 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 600, इट मींस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी 1200। अगर 3200 में 1200 हम डिडक्ट करें तो रिमेनिंग एफसी हमारे पास होगी 2000। इट मींस पावर एंड फ्यूल में अगर हम 600 यूनिट की बात करें, यहाँ पे 1200 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है और 2000 हमारी फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडेड है।
तो सेमी वेरिएबल का मतलब है जहां पे इंक्लूजन होता है वेरिएबल कॉस्ट का और फिक्स्ड कॉस्ट का। सेम हम इसमें भी वेरीफाई कर सकते हैं कि यहां भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट सेम होनी चाहिए। तो मेरे पास है टोटल 4000, हमारे पास 2 रुपीज पर यूनिट है वीसी, हमने 2 रुपीज को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल वीसी हमारी 2000 यहां से डिडक्ट हो गई। इट मींस रिमेनिंग एफसी यहां पे भी हमारी 2000 रहेगी। सो इन बोथ द केसेस फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम। जो उनका इंक्लूजन है यहाँ पे 1000 इंक्लूड थी, यहाँ पे 2000 फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड है, यहाँ भी 2000 है। इसका मतलब है हमने ये सारी डिडक्शन कर ली है और अपनी एफसी को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया और यहाँ से भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सेग्रीगेशन करने के बाद नाउ वी हैव टू गो विद द सिंपल बजट। अब हमें बजट बनाना होगा, 60% हमें टारगेट गिवन है, 100% हमें गिवन है, हमें बनाना है 70%, 80% एंड 90%। सबसे पहले बजट बनाने से पहले हम यूनिट को डेवलप करेंगे। अगर 600 यूनिट हमारे 60% पे बनते हैं तो 70% पे कितने बनेंगे, वी हैव टू टेक प्रपोर्शन, सिंपल प्रपोर्शन। अगर हम सिंपल प्रपोर्शन लेते हैं तो हमने किया 600 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 70, इट मीन 70% पे हमें बनाने होंगे 700 यूनिट। सबसे पहले यूनिट की कैलकुलेशन सेम हम करते हैं। अगर मुझे 80% पे करना है तो सेम हम कर सकते हैं 600 डिवाइडेड बाय 60 इनटू 80। अगर हम ये करेंगे तो हमारी यूनिट की कैलकुलेशन आएगी 800 यूनिट, प्रपोर्शन हमने बना लिया। सिमिलरली 90% पे यूनिट कैलकुलेट करने हो तो ये होगा 600 डिवाइडेड बाय 60 इनटू 90, तो ये बनेंगे 900 यूनिट। सबसे पहला काम बजट बनाने से पहले हमें यहाँ पे हमें करना होगा कैलकुलेशन ऑफ यूनिट। ये यूनिट हमने कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। जो हमें आंसर मिला है कि हमें 70% पे करना है, 80% पे कैलकुलेट करना है और 90% पे करना है। सबसे पहला काम है यूनिट की कैलकुलेशन, वो हमने करनी 700, 800 एंड 900। अब हमारा काम बहुत सिंपल होगा। अब मुझे बजट बनाना है, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट भी है, मेरे पास फिक्स्ड भी है, उसका हमें सिर्फ टोटल इनपुट करना होगा। अवर आंसर विल बी कमिंग। अब सबसे पहले हमने कहा था वेजेस, वेजेस हमारी टोटली वेरिएबल हैं क्योंकि ये हमने यहीं पे डिसाइड कर लिया था, दीज आर वेरिएबल, कंप्लीट वेरिएबल, क्योंकि इनका आंसर 4 रुपीज पर यूनिट है 60% पे। सेम हमारा 100% पे भी 4 रुपीज पर यूनिट है, ये वेरिएबल है। अब मुझे जितने यूनिट का बजट बनाना है मैंने ओनली मल्टीप्लाई करना है, आई हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशन सिंपली। वेरिएबल कॉस्ट ओनली मल्टीप्लाई होती है अपने रिस्पेक्टिव यूनिट से, आंसर विल बी कमिंग सिंपल। तो यहाँ पे हमने किया 4 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 700, तो यहाँ पे हमने 4 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दिया विद द रिस्पेक्टिव यूनिट। तो 4 मल्टीप्लाई 700 तो ये बनेगा 2800 रुपीज, तो ये हमारा आंसर होगा इन रुपीज। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय 800 ये आंसर होगा 3200 रुपीज और 4 मल्टीप्लाइड बाय 900 ये आंसर होगा 3600 रुपीज, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट अपने रिस्पेक्टिव यूनिट से मल्टीप्लाई होती हैं एंड आंसर सिंपली कम्स। अब हम लेते हैं कंज्यूमेबल स्टोर। अब ये भी हमने यहाँ पे टेस्ट लगाया था तो ये कंप्लीट वेरिएबल हैं क्योंकि इनके पर यूनिट कॉस्ट सेम आए थे, कांस्टेंट थे, और ये थे 3 रुपीज पर यूनिट और इसका भी था 3 रुपीज पर यूनिट। इसका मतलब हमने 3 रुपीज को अपने पर यूनिट को हमने मल्टीप्लाई करना विद देयर रिस्पेक्टिव यूनिट। अब 3 मल्टीप्लाइड बाय 700 इसका आंसर आएगा 2100 2400 800 यूनिट से करके और 900 यूनिट से करके हम पहुंच जाएंगे 2700, दैट विल बी वेरिएबल। अब हमने सेमी वेरिएबल लेना जिसको हमने मेंटेनेंस को भी सेमी वेरिएबल कहा था और पावर एंड फ्यूल को भी कहा था। अब मेंटेनेंस हमारा 1000 फिक्स्ड कॉस्ट करता है जो हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया वर्किंग नोट में। अब मेंटेनेंस के हम 2 पार्ट ले रहे हैं, नंबर 1 पार्ट होगा फिक्स्ड कॉस्ट,
हमने यहाँ पे पुट कर दिया 1000, दैट विल सेम 1000 एंड 1000, क्योंकि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम रहती है, लेकिन जो हमारी वीसी होती है जिसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ये पर यूनिट अपने रिस्पेक्टिव यूनिट से मल्टीप्लाई होती है। अब हमारे पास यूनिट भी हमने कैलकुलेट किए हुए हैं और हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट का भी हमने फार्मूला बनाया था, जो वीसी पर यूनिट का हमने 2 रुपीज आंसर निकाला था। अब 2 रुपीज पर यूनिट हमारी वीसी है जो हमने वर्किंग नोट में सेग्रीगेशन किया था। अब हम करते हैं 2 × 700, यहाँ पे 1400 आंसर होगा, 2 × 800 1600 होगा, 2 × 900 यहाँ पे 1800 हमारा आंसर होगा। इसको हम कहेंगे वीसी, और फिक्स्ड कॉस्ट हमने पहले ही अलग कर ली है सेग्रीगेशन में, यहाँ की फिक्स्ड कॉस्ट थी 1000, यहाँ भी हमारी 1000 है, तो 1000 विल बी सेम, और जो रिमेनिंग वीसी होगी वेरिएबल कॉस्ट है वो हमने रिस्पेक्टिव यूनिट से 2 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास टोटल वीसी आती है 1400, 1600 एंड 1800 रिस्पेक्टिवली। अब सेकेंड हम केस में आ रहे हैं पावर एंड फ्यूल, ये भी हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया था, इनकी पर यूनिट कॉस्ट डिफरेंट आ रही है, इट मींस दीज आर सेमी वेरिएबल। जब हमने सेमी वेरिएबल का अलग अलग सेग्रीगेशन किया तो हमें वीसी पर यूनिट मिली ₹2 per unit, दैट वाज इन केस ऑफ मेंटेनेंस, वो भी 2 रुपीज पर यूनिट थी, और पावर एंड फ्यूल भी 2 रुपीज पर यूनिट था जो हमने यहाँ वर्किंग नोट बनाया। लेकिन इसमें जो फिक्स्ड कॉस्ट है पावर एंड फ्यूल में, ये आंसर मिलता है 2000 इंक्लूडेड इन दिस और ₹2000 इंक्लूडेड इन दिस। 2000 हमारी ऐसी है और रिमेनिंग पर यूनिट जो है दैट इज 2 रुपीज पर यूनिट। अब सबसे पहले पावर एंड फ्यूल में हम फिक्स्ड कॉस्ट पुट करते हैं, दैट विल बी 2000 2000 एंड 2000, क्योंकि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है दैट नेवर चेंजेस, वो हमारी कांस्टेंट रहती है। लेकिन अब मुझे वीसी पुट करनी है, ये हमने यहीं पे वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन में आया 2 रुपीज पर यूनिट। अब वीसी के 2 रुपए हमने मल्टीप्लाई कर लिए उनके यूनिट से, तो 2 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 700, यहाँ पे भी 1400, 1600 एंड 1800 रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब है हमने ग्रुपिंग बना ली है रिगार्डिंग मेंटेनेंस एंड पावर एंड फ्यूल, इनके 2 पॉइंट हम अलग अलग दिखाएंगे, जो हमारा फिक्स्ड पार्ट होगा और वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट होगा। सिमिलरली हमें डिफरेंट पार्ट यहाँ पे शो करने, बिकॉज दीज 2 एक्सपेंडिचर्स आर सेमी वेरिएबल, तो हमने वेरिएबल को सीधा ट्रीट कर लिया, अब हमने सेमी वेरिएबल को भी ट्रीट कर लिया फिक्स्ड एंड वीसी बना के। अब हमारे पास रह गई है फिक्स, अब फिक्स को हमें सेम ही ले लेना है, नो चेंज इन फिक्स, क्योंकि टोटल कॉस्ट जहां पे कांस्टेंट रहती है अंडर 2 कैपेसिटी, वहां पे उसको हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन का हमारा सेम ही आंसर होगा, जितनी मर्जी कैपेसिटी पे चले जाए वहां पे सेम ही रहेगा, 8000 8000 8000। सिमिलरली इंश्योरेंस भी हमारी कांस्टेंट रहेगी, वो रहेगी 2000 2000 एंड 2000। आफ्टर पुटिंग इन बजट एवरी एक्सपेंडिचर हमने पुट कर दिया, अब इसका अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल कॉस्ट हमारे पास बनेगी 20700 21800 रुपीज टोटल कॉस्ट एंड 22900 टोटल कॉस्ट। अब इसके बजट के लिए पर यूनिट अगर हमें कॉस्ट देखना हो, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट, अगर हम यूनिट से डिवाइड करें तो पर यूनिट टोटल कॉस्ट हमारा आंसर आएगा ₹29.57। अगर हम 21,800 को 800 से डिवाइड करें तो पर यूनिट कॉस्ट होगी ₹27.25, और अगर हम टोटल कॉस्ट को 900 से डिवाइड करें तो यहाँ का आंसर होगा ₹25.44। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ए न्यू सम, इम्पोर्टेंट सम, जहाँ पे हमें पहचान करनी होती है कि हमारी वेरिएबल एलिमेंट्स कौन से हैं, सेमी वेरिएबल एलिमेंट्स कौन से हैं और फिक्स्ड एलिमेंट्स कौन से हैं। अगर हमें सेमी वेरिएबल यहाँ पे पता लग जाता है, सबसे पहले उसको हम सेग्रीगेट करना हमारे लिए
बहुत जरूरी है। आफ्टर सेग्रीगेशन ओनली वी कैन प्रिपेयर द राइट बजट, उसके बाद ही हम राइट बजट बना पाएंगे। और जब हम सेग्रीगेट करेंगे तो फिक्स्ड एलिमेंट को अलग शो किया जाएगा सेमी वेरिएबल में, और वेरिएबल कॉस्ट के एलिमेंट को हम डिफरेंट शो करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया। थैंक यू वेरी मच।